दोस्तों लेटेस्ट ऑफर जानने के लिए आप हमारे चैनल टेक टेक्नो ऑफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपके वीडियो के सामने में, आपको इसको क्लिक कर देना है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आएगा इसको भी क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट ऑफर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो ऑफर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पेटीएम ने लॉन्च कर दी है गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम ने एक केवाईसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ लॉन्च करा है, वो भी आज के दिन में। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो ऑफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फ्री में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपके वीडियो के सामने में, आपको इसको क्लिक कर देना है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसको भी क्लिक कर देना है ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स से वीडियोस या फिर ऑफर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे कौन सा गुड न्यूज़ है और किस तरीके से आपको उसमें काम करना है। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये आ रहा है कि अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया तो आपको करवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अभी जो है पेटीएम एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा रहा है, मतलब कुछ हट के कर रहा है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है पेटीएम। दोस्तों अगर आपका ओल्ड अकाउंट है, अगर आप केवाईसी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना पेटीएम एप्लीकेशन को खोलेंगे, ठीक है ना। आपको केवाईसी करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेटीएम ने कहा है कि मतलब अगर आप गाँव देहात में रहते हो तो आपको वहाँ पर कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेटीएम से पैसा रिसीव करते हो तो आप अपने घर में बैठे बैठे जो है बिना केवाईसी करे पैसा रिसीव कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करना है। दोस्तों अगर आपके पास बिना केवाईसी वाला अकाउंट हो तो आपको सबसे पहले उसमें लॉगिन करना है। अगर आपको केवाईसी करवाना है, मतलब अगर आपको उसमें पैसा रिसीव करना है, दोस्तों पेटीएम जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे दोस्तों आपका मतलब कुछ अलग सा इंटरफेस आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट तक रुकना है, उसके बाद दोस्तों कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों 2 से 3 मिनट के बाद रुकने के बाद दोस्तों आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखा जाएगा RBI गाइडलाइंस प्लीज एनी फॉलो डॉक्यूमेंट्स डिटेल ऑफ द कंटिन्यू यूज पेटीएम वॉलेट। अगर आप अपना पेटीएम वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी को फिलअप करना होगा। जैसे कि मान लिया अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर जिसमें आपका फोटो दिखता हो, ठीक है ना, मतलब फोटो वाला डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस में भी दिखता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर, तो आपको यहाँ पर जो है उसका नंबर डालना है, जो भी डालना है। जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर मिलेगा ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे यूज़ अनदर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना, वहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका अगर आपके पास तीनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आपको उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पर एक आपको यूनिक आईडी दिया जाता है, बस नंबर दिया जाता है, उस नंबर को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इंटरव्यू और पैन नंबर, तो वहाँ पर आपको जो भी चॉइस करिएगा, जैसे कि मान लिया अगर आपको आधार कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा इंटरव्यू और आधार कार्ड नंबर, तो आपको नंबर में टाइप करना है जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर दिया, उसके बाद आधार कार्ड में जो नाम दिया वो उसको फिलअप करना है, उसके बाद आई कंफर्म यहाँ पर आपको क्लिक करके सबमिट में क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपका कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों वहाँ पे जब जैसे ही आप फिलअप करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर लिया था, तो यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन आधार डिटेल सबमिट इज सक्सेसफुल, मतलब अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस करते तो ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, उसके बाद लिखा हुआ आएगा डिटेल सबमिट इज सक्सेसफुल, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, उसके बाद डिटेल सबमिट सक्सेसफुल लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपका यहाँ पे जो है एक साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब एक साल तक आप इस अकाउंट को चला सकते हो विदाउट केवाईसी। मतलब ये मतलब अगर आपका घर के पास में कोई भी केवाईसी सेंटर नहीं है तो आप अपना कोई भी आईडी यहाँ पे चिपका मतलब नंबर दे सकते हो, अपना आईडी जिस नाम से अपने पेटीएम अकाउंट को रजिस्टर किया था वो नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट केवाईसी हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से जो भी आपकी न्यू कंपनी आती जो आपको यहाँ पे रेफर एंड के पैसे देती हैं, जो भी ऑफर कंप्लीट करने की पैसे देती हैं, जैसे कि रिसीव पैसा सेंड करती हैं, तो आपको यहाँ पर आप पैसा मिल जाएगा दोस्तों। बस आपको यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना होगा। आप यहाँ पे पैसा भी दे सकते हो एक साल के लिए, मतलब किसी को एक ये अकाउंट जो है आपको एक साल तक एक साल का मतलब एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ से जैसे नॉर्मली पहले पेटीएम में काम करते हो, जैसे किसी को पैसा भेजना हो पैसा भेज सकते हो, किसी से रिसीव करना है रिसीव कर सकते हो, बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये डिटेल
वीडियो और ये न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बार बताना भूल गया कि अगर आप अपना मतलब फ्री में डेबिट कार्ड मतलब पेटीएम का अगर डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करोगे उतना मैं जल्द से जल्दी लेकर आऊँगा डेबिट कार्ड का वीडियो। उस डेबिट कार्ड में क्या खास होगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड को बुक करते हो तो आपको 120 रुपये का चार्ज लगता है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्री में डेबिट कार्ड मंगवा सकते हो। जी हाँ गाइस, मैंने एक दिन पूरा मतलब रिसर्च किया या उसके बाद जो है मुझे वो ट्रिक मिल चुका है किस तरीके से आप वहाँ पे 120 रुपये का जो डेबिट कार्ड है वो आप अपने घर पर बिल्कुल 0 रुपीज़ में मंगवा सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स लिखें मतलब पेटीएम डेबिट कार्ड वीडियो ये लिख दे तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी न्यू ऑफर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा।